थायोनिक एसिड। थायो से समझ में तो तुम्हें पहले ही आ गया होगा कि सल्फर की बात होने वाली है। तो इस फैमिली का जनरल फॉर्मूला है H2SNO6, और एन की वैल्यू कम से कम दो या दो से ज्यादा होनी चाहिए। डायथायोनिक एसिड बोलेंगे किसको, ओके H2SO6 को। H2SO6 का स्ट्रक्चर बनाएंगे। चलो, क्या H2S2O7 का स्ट्रक्चर याद है? बीच में से एक ऑक्सीजन हटा दूं तो क्या H2S2O6 का स्ट्रक्चर बन जाएगा, है ना? तो बताओ तुम कैसा बना रहे हो, ऐसा ना? अब ट्राइथायनिक एसिड, ट्राइथायनिक एसिड का मतलब क्या है? तो तीन सल्फर्स। H2S3O6, बताओ कैसा होगा स्ट्रक्चर। तो देखो कुछ होता नहीं इसमें, ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है बीच में एक एस घुसा दो, बस वही इसका स्ट्रक्चर ओ राइट, हाँ वही होना चाहिए। है। आई बात तो इसमें समझ? फिर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। हाँ, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। ऊपर वाले में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट पता, प्लस दोनों का, नीचे वाले में बताओ दोनों, +5। ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी जाएगी तो इसमें तो +5 ही है, सेकंड वाले में बताओ 10/3। 10/3। टेट्रा का बनाओ और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। तो फॉर्मूला हो जाएगा H2S4O6 S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O S S S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O H O H, राइट? +5 +5 0 0, तो 10/4। ठीक है, तो यहाँ पे सल्फर भी खत्म होता है और हमारी ऑक्सीजन फैमिली भी खत्म होती है।